हेलो गाइस, इंडियन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर सर्किट बनाकर दिखाने वाला हूँ। गाइस, फोन में जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहता है, जैसे स्मार्टफोन से आप किसी को कॉल करते हो तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। गाइस, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से ऑफ होता है। गाइस, इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर सर्किट को गाइस स्कूल में या कॉलेज में एज अ प्रोजेक्ट आप यूज कर सकते हो। गाइस, इसे कैसे बनाना मैंने वीडियो में डिटेल में बताया, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और गाइस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस जल्दी से सर्किट को बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस, प्रॉक्सिमिटी सेंसर बनाने के लिए मैं BC547 दो ट्रांजिस्टर का यूज़ करने वाला हूँ। गैस, इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है, ₹5 का एक ट्रांजिस्टर मुझे मिला है। गैस, अभी गाइस देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर में 3 पॉइंट है। गाइस, ये है इसका कलेक्टर, गाइस ये सेंटर वाला है इसका बेस, और ये साइड वाला है गाइस इसका इमीटर पॉइंट। अभी गाइस हमारा जो सेकंड ट्रांजिस्टर है उसका जो कलेक्टर वाला पॉइंट है, गाइस जो हमारे जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर वाले पॉइंट के साथ इस तरह से इसको शोल्डरिंग कर देना है। गाइस, अभी गाइस हमारे जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है गाइस उसका जो सेंटर वाला पॉइंट है ये है गाइस बेस पॉइंट, और जो हमारा गाइस सेकंड ट्रांजिस्टर है उसका जो लास्ट वाला पॉइंट है गाइस ये है इसका इमीटर पॉइंट। तो दोनों को यहाँ पे शोल्डरिंग कर देना है। गाइस, इसके बाद गैस आपको इस तरह का एक आयर रिसीवर ले लेना है। गैस, इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है, ₹10 का एक रिसीवर मुझे मिला है। गैस, इसके बाद गैस जो आयर रिसीवर का पॉजिटिव पॉइंट है, गैस जो हमारा सेकंड रजिस्टर है उसके बेस पॉइंट पर इस तरह से इसको शोल्डरिंग कर देना है। गैस, इसके बाद गैस हमारा जो आयर रिसीवर का माइनस वाला पॉइंट है, गैस जो हमारा सेकंड रजिस्टर है उसके कलेक्टर पॉइंट पर यहाँ पर इसको शोल्डरिंग कर देना है। गैस, इसके बाद गैस आपको इस तरह का आयर ट्रांसमीटर लेना है। गैस, इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है, ₹10 का एक ट्रांसमीटर मुझे मिला है। गैस, इसके बाद गैस जो हमारा आयर ट्रांसमीटर है, गैस उसका जो माइनस वाला पॉइंट है, जो हमारा सेकंड ट्रांजिस्टर है, गैस उसके कलेक्टर पॉइंट पर इस तरह से इसको शोल्डरिंग कर देना है। गैस, इसके बाद गैस आपको इस तरह का 56K का एक रजिस्टर ले लेना है, जो हमारा आयर रिसीवर गैस उसके प्लस वाले पॉइंट पर इस तरह से इसको शोल्डरिंग कर देना है। गैस, इसके बाद गैस आपको इस तरह का एक 100R का रजिस्टर ले लेना है, और गैस आयर ट्रांसमीटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है गैस उस पर इस तरह से इसको शोल्डरिंग कर देना है। गैस, इसके बाद गैस आपको इस तरह का एक 3 वोल्ट का LED लेना है। गैस, आप किसी भी कलर का LED ले सकते हो। गैस, इसमें इसका गैस पॉजिटिव जो ये पॉइंट है, गैस जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसके इमीटर पॉइंट पर इस तरह से इसको शोल्डरिंग कर देना है। गैस, और जो ये माइनस वाला पॉइंट है इस दोनों रजिस्टर पर शोल्डरिंग कर देना है। गैस, अभी गाइस देख सकते हैं हमारे कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। देख सकते हैं गाइस किस तरह से हमने कनेक्शन किए हैं, बहुत इजी कनेक्शन है। गाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजीली आप इस वीडियो को देख के इसे घर पर बना सकते हो। तो चलिए गाइस अभी फटाफट इस सर्किट को चेक कर लेते हैं, हमारा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे DC इनपुट देते गाइस 3.7 वोल्ट। गाइस, हमारे इस सर्किट को पावर देने के लिए मैं इस तरह की 3.7 वोल्ट बैटरी यूज़ करने वाला हूँ। गाइस, देख सकते हैं गाइस इस बैटरी को मैंने पुराने लैपटॉप के बैटरी से निकाला है, जो ओल्ड लैपटॉप की बैटरी रहती है गाइस खराब बैटरी, उसमें से निकाला है। तो चलिए गाइस फटाफट अभी सर्किट में कनेक्शन कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये जो पॉइंट है गाइस ये है हमारा पॉजिटिव पॉइंट, इस तरह का जो पॉइंट दिख रहा है आपको, देख सकते हैं ये इसका पॉजिटिव। और गाइस जो रजिस्टर वाला साइड है गाइस, ये वाला जो साइड है, मैं फोकस करके दिखा था आपको कैमरा में, देख सकते हैं ये जो रजिस्टर वाला पॉइंट है गाइस ये इसका माइनस पॉइंट। तो चलिए फटाफट इसका कनेक्शन अभी कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनेक्शन अभी कर दिया है। तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं हमारा सेंसर काम करता है कि नहीं करता है। तो गाइस देख सकते हैं जैसे मैं सेंसर के सामने हाथ लेके जा रहा हूँ गाइस, वैसे ही हमारा जो LED है वो ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं स्टूडियो को लाइट ऑफ कर देता हूँ, यानी अच्छे से आपको इंडिकेटर दिखाई देगा। गाइस, तो गाइस अभी स्टूडियो का मैक्सिमम लाइट मैंने ऑफ कर दिया है, गाइस बैकग्राउंड में एक ही लाइट जल रहा है। तो चलिए अभी सेंसर को टेस्ट कर लेते हैं। गाइस देख सकते हैं जैसे सेंसर के आगे हाथ आ रहा है गाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वैसे ही हमारा जो LED है गाइस वो वर्क कर रहा है। तो चलिए कुछ और ट्राई करते हैं गाइस। तो चलिए गाइस इस रूबिक्स क्यूब के साथ टेस्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं जैसे मैं रूबिक्स क्यूब को आगे लेके जा रहा हूँ गाइस, वैसे ही हमारा LED जो है यहाँ पे ग्लो कर रहा है गाइस,
देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा ब्राइट ये ग्लो कर रहा है, यानी हमारा सेंसर सक्सेसफुली वर्किंग है गाइस। तो चलिए गाइस अभी इसमें एक बज़र लगा देते हैं, अभी एलईडी इंडिकेटर जल रहा है गाइस, तो बज़र लगाएंगे तो हमें साउंड भी सुनाई देगा, तो चलिए फटाफट उसको भी कनेक्शन में कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह का बज़र है गाइस, इसको भी मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है, 10 रुपये का एक बज़र मुझे मिला है गाइस। इसका कनेक्शन भी बहुत ईजी है गाइस, देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है गाइस ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल है, जैसे इसको रिमूव करेंगे यहाँ पर भी एक सिंबल लिखा है, देख सकते हैं पॉजिटिव का। गाइस इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है जो हमारा लाइट का ये वाला पॉजिटिव पॉइंट है गाइस उसके साथ कनेक्ट करना है, जो नेगेटिव पॉइंट है गाइस उसको लाइट के नेगेटिव पॉइंट के साथ इस तरह से इसको शॉर्टिंग कर देना है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं अभी हमारे जो बजर के कनेक्शन है गाइस उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है, देख सकते हैं किस तरह से कनेक्शन किया है गाइस, बहुत इजी कनेक्शन है गाइस, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो चलिए गाइस अभी बजर के साथ इस सर्किट को चेक कर लेते हैं, यानी हमारा बजर काम करता है कि नहीं करता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सायरन जो है वो भी काम कर रहा है गाइस, और यहाँ पे हमारा जो LED इंडिकेटर है गाइस वो भी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है गाइस, यानी हमारा सर्किट सक्सेसफुली वर्किंग है गाइस। गाइज ये प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आती होगा, कोई भी परेशानी होती हो तो प्लीज़ इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो गाइज, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर सबके मन में इस प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो गाइज तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो गाइज, उस कमेंट का भी मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा गाइज। आज के वीडियो में बस इतना ही है, सर्किट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसंद आ गया प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।